सामने आया दिल्ली में हुई हिंसा का नया वीडियो, हथियारों के साथ दिखे लोग। यात्रा में शामिल गाड़ी पर सवार थे नौजवान, वीडियो में शॉटगन और पिस्तौल के साथ चाकू और खुखरी। वीडियो में दिख रहे हैं तलवार के लिए हुए लोग, स्थानीय लोगों के मुताबिक यहीं से शुरू हुआ था पथराव। झड़प के बाद सड़क पर देखी भारी भीड़, पथराव की तस्वीरें कैमरे में कैद। एक गली के बाहर दिखा लोगों का जमावड़ा, लोगों को रोकने के लिए कुछ लोगों ने बना रखी थी मानव श्रृंखला। जहांगीरपुरी की शोभा यात्रा के अंतिम पड़ाव की भी तस्वीरें, सड़क पर रुकी दिखी गाड़ी। वीडियो में सड़क पर दौड़ते दिख रहे हैं उपद्रवी, पत्थरबाजी की तस्वीरें। स्थानीय लोगों ने बताया हमलावरों ने तोड़ दिया था सीसीटीवी कैमरा। घटना के बाद जहांगीरपुरी इलाके में तनाव का माहौल, पुलिस लगातार कर रही है गश्त। दिल्ली पुलिस ने शुरू की कार्रवाई, अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई। घटना को लेकर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, अंसार नाम के शख्स का नाम आया सामने। एफआईआर के मुताबिक 4 से 5 लोगों के साथ आया था अंसार, शोभा यात्रा में आए हुए लोगों के साथ बहस। पुलिस ने 10 लोगों को पहले हिरासत में लिया और अभी तक 100 वीडियोस पुलिस के पास। समुदाय ने लगाया आरोप, यात्रा के दौरान मस्जिद पर फेंके गए थे पत्थर। 2020 में दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट दंगों से भी इस चौक का कनेक्शन, चार्जशीट के मुताबिक यहां से सीएए विरोध के लिए जाते थे लोग। कलिंसा की आग में झुलस गया दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका, हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान पथराव और आगजनी। एक समुदाय के लोगों ने शोभा यात्रा पर बोला हमला, 8 पुलिस वाले और एक नागरिक जख्मी। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, कुछ बाइक को भी उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। पथराव और आगजनी के साथ साथ फायरिंग भी हुई, एक पुलिसकर्मी को गोली भी लगी। नाराज लोगों ने हिंसा के विरोध में जमकर नारेबाजी की, बीच सड़क पर प्रदर्शन हुआ। आरोपी पक्ष ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर लगाया हिंसा के लिए उकसाने का आरोप, कहा धार्मिक स्थान में घुसने की कोशिश के बाद बवाल हुआ। शनिवार की शाम करीब 4:30 बजे शुरू हुई हिंसा, उस वक्त इलाके से गुजर रही थी शोभा यात्रा, तभी पथराव हुआ। हिंसा के दौरान लाठी डंडों के साथ दिखे हमलावर, पुलिस की मौजूदगी के बाद भी बेकाबू हुई भीड़, शोभा यात्रा में शामिल लोगों को टारगेट किया गया। जहांगीरपुरी इलाके में सड़क पर दिखे हिंसा के निशान, पत्थर और शीशे से पटे पड़े हैं सड़क। हिंसा के बाद बड़ी संख्या में पुलिस ने संभाला मोर्चा, तमाम गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल। साजिश की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल, आईपीसी की कई धाराओं में मुकदमा, 10 टीमें बनाई गई। स्पेशल सेल की टीम ने हिंसा वाले इलाके में पड़ताल की, सीसीटीवी फुटेज की जांच, इलाके में अपराधियों की लिस्ट भी खंगाल रही है पुलिस। जहांगीरपुरी हिंसा के बाद जेएनयू की बढ़ाई गई सुरक्षा, 10 अप्रैल को वहां पर हुई थी छात्रों के गुटों में झड़प। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना बोले स्थिति काबू में है, संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई है सुरक्षा, सघन पेट्रोलिंग के आदेश दिए गए। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने हिंसा की निंदा की, कहा कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, कहा दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, राजधानी में शांति व्यवस्था बनाए रखें। हिंसा को लेकर केजरीवाल का बयान पर अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया पलटवार, बोले वो सिर्फ सीएम, जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। ये देश की जनता बड़े ध्यान से देख रही है, इनके कारनामे जनता ने पहले भी देखे, इनको पहले भी नकारा है और आगे भी जनता नकारेगी। बीजेपी ने जहांगीरपुरी हिंसा के पीछे जताई साजिश की आशंका, जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग। दिल्ली की तरह कर्नाटक के हुबली में भी हिंसा, एक समुदाय के लोगों ने पुलिस स्टेशन के बाहर की तोड़फोड़। एक विवादित तस्वीर को लेकर बढ़ा बवाल, हिंसा पर काबू पाने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज, दागे आंसू गैस के गोले। उग्र भीड़ ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की, झड़प के बाद पुलिस वाले जख्मी, फिलहाल धारा 144 लागू। अलीगढ़ में नमाज के दौरान एक मस्जिद में पत्थर फेंके जाने का आरोप, एक शख्स जख्मी।
पीलीभीत में मस्जिद में वुजू खाने के निर्माण को लेकर बवाल, दो गुटों में चढ़ा पथराव और आगजनी। दिल्ली में बवाल के बाद एनसीआर में भी अलर्ट, नोएडा गाजियाबाद में पुलिस ने किया मार्च, चलाया चेकिंग अभियान। गोंडा में आधी रात को गश्त पर निकले पुलिस के अधिकारी, दिल्ली हिंसा को लेकर पर्व त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम। फतेहपुर में पुलिस ने मस्जिदों के बाहर बढ़ाई सुरक्षा, किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए एसपी ने फ्लैग मार्च किया। दिल्ली हिंसा के बाद अलर्ट पर कानपुर, आज वहां पर राम महोत्सव का आयोजन है। मेरठ में भी पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा, दिल्ली हिंसा को देखते हुए पुख्ता तैयारी, शहर भर में अलर्ट। दिल्ली की शोभा यात्रा में हुई हिंसा के बाद से बागपत में भी अलर्ट, पुलिस के अधिकारियों ने फ्लैग मार्च निकाला। आंध्र प्रदेश के कन्नूर में भी हंगामा, दो गुटों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी की। एक धर्म स्थल के आगे से गुजर रही थी हनुमान जयंती की यात्रा और इसी दौरान एक दूसरे से उलझे। अलवर में कांग्रेस नेता रिंकी वर्मा ने खुदकुशी की कोशिश की, अस्पताल में भर्ती, आईसीयू में वेंटिलेटर पर हैं रिंकी वर्मा। परिवार ने खुदकुशी की कोशिश की खबर को इनकार किया, डॉक्टर ने कहा गले पर फंदे के निशान। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर सियासत तेज, पुणे में एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने हनुमान चालीसा पाठ में हिस्सा लिया। एमएनएस ने गृहमंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी, मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग की। महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल बोले, राज्य में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का कोई सवाल ही नहीं। राज ठाकरे का नाम लिए बिना संजय राउत का निशाना, कहा महाराष्ट्र में बने हैं नए हिंदू ओवैसी। देश में हिंदू समाज में भी कुछ ओवैसी निर्माण हुए हैं, एमआईएम निर्माण हुए हैं। देश में शांति और सौहार्द को लेकर 13 विपक्षी दलों के नेताओं ने साझा बयान जारी किया, सोनिया, पवार, ममता ने सभी से शांति बरतने की अपील की। सोनिया गांधी ने देश में नफरत, कट्टरता और असहिष्णुता का एक अखबार में लेख के जरिए किया जिक्र, कहा देश में लोगों को बांटा जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सोनिया गांधी के घर कांग्रेस के नेताओं की बड़ी बैठक, प्रशांत किशोर ने बैठक में प्रेजेंटेशन दिया। 2024 में जीत का कांग्रेस को प्रशांत किशोर ने दिया मंत्र, सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के नेताओं ने कहा पार्टी में हो जाइए शामिल। कांग्रेस की बैठक पर आम आदमी पार्टी का तंज, राघव चड्ढा ने कहा देश को कांग्रेस पार्टी नहीं दे सकते विकल्प। आज से दो दिन के कर्नाटक के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में संबोधन। लखनऊ में ईदगाह में आयोजित इफ्तार में पहुंचे अखिलेश यादव, मुस्लिम धर्म गुरु भी शामिल हुए। पंजाब में मिलेगी 300 यूनिट मुफ्त बिजली, सीएम भगवंत मान ने 1 जुलाई से हर परिवार को फ्री बिजली देने का ऐलान किया। केरल के पल्लकड़ में आरएसएस नेता की हत्या से सनसनी, 24 घंटे में दूसरी राजनीतिक हत्या से गरमाई सियासत। आरएसएस नेता की हत्या के 6 आरोपियों की पुलिस ने पहचान की, सीसीटीवी तस्वीरों में कैद सुराग। लुधियाना में थाना परिसर में रखी जब्त की गई गाड़ियों में आग लग गई, दमकल गर्मियों ने आग पर पाया काबू। कालका शिमला हेलीवे ट्रैक में करीब आग की 2 घंटे आग की वजह से ट्रेन रोकनी पड़ी और 2 घंटे के बाद हालात पर काबू पाया जा सका। ग्रेटर नोएडा के दमकल में बिजली के ट्रांसफार्मर में आग से अफरा तफरी, शॉर्ट सर्किट के चलते हादसे की आशंका। आज है ईस्टर का त्योहार, मुंबई में सुबह से गिरजाघरों में जुट रही है लोगों की भीड़। यीशु मसीह फिर से जीवित होने की खुशी में मनाया जाता है ईस्टर, कोची के चर्च में सामूहिक प्रार्थना। नासिक में मुंबई आगरा एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसा, 4 पुलिस वाले जख्मी। जम्मू कश्मीर के कोकरनाग में सुरक्षा बलों की आतंकवादियों के साथ मुठभेड़, 1 जवान शहीद। गोरखनाथ मंदिर के बाहर हमले के मामले में आरोपी मुर्तजा पर यूएपीए लगाया गया, एटीएस कोर्ट में केस चलेगा। आरोपी मुर्तजा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, एटीएस ने मुर्तजा को आतंकी संगठन का सदस्य बताया। असम के बरपेटा में 6 जिहादी गिरफ्तार, 10 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। बुलंदशहर में अवैध कॉलोनीज पर बुलडोजर चला, 1000 स्क्वायर फीट में निर्माणाधीन हॉल और 12 बीघे में बनी अवैध कॉलोनी ध्वस्त।
चंडीगढ़ में करंट लगने से बिजली कर्मी की मौत। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला के घर पर काम कर रहा था। बेंगलुरु में भारी बारिश से मची अफरा तफरी, तेज हवाओं ने बढ़ाई मुश्किल, शहर में कई जगहों पर जल भराव। अहमदाबाद में महंगाई के खिलाफ अजीबो गरीब विरोध, शादी में मिली गिफ्ट देख को देकर दंग रह गए लोग, दूल्हे को मिठाई के बॉक्स में दिया गया नींबू। गाजियाबाद में छात्र कार्तिक वासुदेव का अंतिम संस्कार, 7 अप्रैल को कनाडा में हत्या हुई थी। मुंबई में रणबीर कपूर और आलिया के रिसेप्शन में उमड़ी सितारों की भीड़, मलाइका के साथ पहुंचे अर्जुन कपूर। करण जौहर, जूही समेत कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी हुए शामिल, श्वेता बच्चन भी बनी मेहमान। रणबीर आलिया की कुछ और तस्वीरें भी आई सामने, कपूर परिवार एक साथ दिखा।